जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISF कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हाँ, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 29/1/2022 से लेकर 4/3/2022 तक इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स को हम समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट इस भर्ती से जुड़ी आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो इम्पोर्टेंट डेट है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि 29 से यहाँ पर आप लोगों के फॉर्म अप्लाई है, जो कि 4 मार्च तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये वैकेंसी जो है सिर्फ मेल्स के लिए है। ठीक है, फीमेल इसके फॉर्म नहीं भर पाएंगे, याद रखिएगा। इसका यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेवल 3 में यहाँ पर आप लोगों की 21,000 से लेकर जो है 69,000 तक यहाँ पर इसकी पेमेंट रहने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, एक एक चीज़ों को हम समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें वैकेंसी की डिटेल्स भी दे दी गई है। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंसी है वो 1149 यहाँ पर वैकेंसी है। अब देखिए, स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई है, तो इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं डाल दूंगा, आप अपने स्टेट की वैकेंसी को देख सकते हैं। सारे स्टेट्स में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, चलिए इसको आसान भाषा में हम समझते हैं। देखिए, यहाँ दो टाइप की पोस्ट रहेगी। सबसे पहले बता दें, कांस्टेबल की और फायर की। ठीक है, टोटल पोस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है, 1149 पोस्ट रहेगी। वैकेंसी के लिए जो आप लोगों का पेमेंट है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे और लास्ट डेट है आपकी 4 मार्च। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन होगा। इसके फॉर्म फिलअप का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पर आप देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर 100 रुपये आप लोगों को फीस यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो आप लोगों की 18 से लेकर 23 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर जो आप लोगों का एज नापी जाएगी 4/3/2021 से मापी जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देखिए, आपके मन में डाउट होता है कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या नहीं, तो 1999 से लेकर आप लोगों का जन्म जो है 4/3/2004 के बीच हुआ हो। ठीक है, यानी 5/3/1999 के बाद और 4/3/2004 के पहले आप लोग, इस बीच में आपका जन्म हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि इसमें आप लोगों की जो छूट है वो कितनी है। तो ST/SC को 5 साल, OBC को 3 साल यहाँ पर छूट मिली है। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिएगा आपके अनुसार क्या चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर जो आप लोगों का वैकेंसी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन है 10th पास आप लोगों को होना चाहिए, विथ साइंस सब्जेक्ट आप लोगों का होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। अब यहाँ पर आप नीचे वैकेंसी की जो डिटेल्स है वो दी, अब आगे की डिटेल्स देखते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आप लोगों का जो स्टेज है, कैसे कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले फिजिकल यहाँ पर होगा, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आगे की डिटेल समझते उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बायजूस एग्ज़ाम प्रेप ऐप के बारे में। SSC 2021-22 की जो है, आप लोगों की कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बायजूस एग्ज़ाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहां से आप इस बेच में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा, सुपर्स10। ठीक है, सुपर्स10 करके कोड है, इसका अगर आप उपयोग करोगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और SSC की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं बायजूस एग्ज़ाम प्रेप ऐप से और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आप लोगों का फिजिकल होगा। इसमें फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो कि 24 मिनट का आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा। अब देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली है, याद रखिएगा। 2 घंटे का आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए 2 घंटे का समय यहाँ पर मिलेगा आप लोगों का। ऑनलाइन और ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ये होगी और यहाँ पर आपको 35% जनरल EWS वालों को लाना होगा और ST/SC OBC को 33% यहाँ पर लाना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये आप लोगों का सिलेबस दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को रीजनिंग 25 नंबर की, GK और जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिक्स आप लोगों को 25 नंबर का और हिंदी या इंग्लिश आप लोगों को 25 नंबर का। यानी अगर आपने SSC GD का एग्ज़ाम दिया है तो फिर इस सिलेबस को आपको समझने में आसानी होगी। कुछ इसी तरीके से आप लोगों का इसका सिलेबस जो है रहने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड अगर हम देखते हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए और आपका जो सीना है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी आप लोग को 5 सेंटीमीटर जो सीना है वो फुलाना है। ठीक है, अब वेट की बात करते तो आपके वजन के अनुसार, आपका वजन यहाँ पर जो आपकी हाइट है उसके अनुसार वजन आप लोगों का होना चाहिए।
टैटू वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों का रहने का किसी अकॉर्डिंग आपके एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है रहने वाला है, ठीक है। 1/4 का साइज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में हम बात करते हैं कि क्या किस प्रकार से जो है यहाँ पर रहेगा, है ना। ये आप लोगों को काफ़ी डाउट हो रहा होगा कि आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन जो 12th बोली है, फिर उसमें आप लोगों का जो साइंस है, ठीक है, उसमें किस अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें मांगी गई है। देखिए यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बोला है नोटिफिकेशन में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो आपकी 12th पास होना चाहिए विथ यहाँ पर आप लोगों का साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये साफ साफ बोल दिया गया है कि आप लोगों का साइंस होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके सारी डिटेल्स को एक बार और समझ सकते हैं। इसके फॉर्म फिलअप का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा जैसे इसके अप्लाई ऑनलाइन शुरू होंगे, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।